खबर यूपी के जनपद चंदौली से है। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद फैली अराजकता के माहौल में भारत के लोग फंसे हुए हैं और उनके परिजन चिंतित हैं। यही नहीं, उनके परिजन सरकार से मांग कर रहे कि उनको सुरक्षित वापस लाया जाए। जिले के दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील के उमोदपुर गांव में सूरज चौहान भी काबुल में फंसे हुए हैं, जो जनवरी 2021 में वेल्डर के तौर पर कार्य करने के लिए काबुल गए थे। परिजन सरकार से गुहार लगा रहे कि सूरज को सुरक्षित घर लाया जाए। सूरज के साथ ही उत्तर प्रदेश के 17 लोग काबुल में फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा तख्ता पलट किए जाने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी और अराजकता का माहौल है। लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं, सुरक्षित ठिकाने पर जाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे बुरा हाल दूसरे देश से अफगानिस्तान में काम करने गए लोगों का है। उत्तर प्रदेश से कुल 17 लोग अफगानिस्तान के काबुल में एक कारखाने में फंसे हुए। इन्हीं में जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील के उमोदपुर गांव में के सूरज चौहान भी फंसे हुए हैं। जनवरी 2021 में वेल्डिंग का काम करने के लिए सूरज अफगानिस्तान के काबुल गए थे। तख्ता पलट के बाद वह लोग अपने कारखाने में फंसे हुए हैं और उनका मालिक भी वहां से फरार हो चुका। हालांकि परिजन सूरज से संपर्क में हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से सूरज से बात भी हो रहा है, लेकिन परिजनों को डर सता रहा है और वह सूरज की सुरक्षित वापसी की सरकार से मांग कर रहे हैं। सूरज के पिता बुद्धिराम, जो कि लकवे की बीमारी से ग्रस्त है, बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए उनकी आँखों में आंसू है, सरकार से उन तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। पत्नी भी उदास है और मायूस है। सूरज की शादी 2014 में वाराणसी के हरुआ गांव में रेखा चौहान से हुई थी। सूरज का 3 साल का बेटा है। पूरा परिवार मांग कर रहा है कि मोदी सरकार जल्द से जल्द सूरज सहित सभी को सुरक्षित वापस ले आए। बुद्धिराम, आपका बेटा कहाँ गया? बेटा मेरा विदेश में है। कहाँ विदेश में? यह खालिस्तान में कौन है देश, उसी में है जहाँ के अभी हमला हुआ है, उसी जगह है मेरा बेटा फंसा हुआ। पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन इधर माहौल सोचो पड़ता है कि बहुत परेशानी हो गया है। कब बात हुआ था आपसे? हाँ वही मेरे से परसों बात हुआ था, 3 दिन पहले। क्या बोल रहा था? वह बोला था कि सरकार बदल गया है और तालिबान का सरकार हो गया और यहाँ का मुख्यमंत्री जो भाग गया एकदम। इस वक्त सुरक्षित है आपके बेटे? ये वक्त सही है, लेकिन परेशानी है थोड़ा सा, कोई निश्चित नहीं तालिबान क्या करेगा। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से यही करेंगे मोदी साहब से कि वह मेरे बेटे को जितना जल्दी जल्दी मंगवाते हैं। क्या नाम है? रेखा चौधरी। रेखा जी, आपके पति फंसे, कब बात हुई थी उनसे? उनसे तो बात रोज होती है, जो है कि अभी कुछ टाइम के बाद भेजते हैं। क्या बता रहे थे? कुछ नहीं, जो है कि ठीक ठाक है, घबराल है, जो है कि आखिरी बार कब बात हुई? अभी तो सुबह भई थी। क्या बता रहे थे, कब तक वापस आ जाए, कुछ बता रहे थे? नहीं, वापस की नहीं है जो बताने के, मालिक जो भाग गया है। फिर उसके बाद कहता है कि देखिए अब पासपोर्ट भी दूसर कोई कंपनी के पास है। आप भगवान सामने पूजा पाठ भी की? और वही जब हादस में चलिया घरे अपन, जो लड़का बच्चा में भी